अब दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत लोग सैमसंग का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 30,000 के अंदर, पर आप लोग जानते ही होंगे सैमसंग ऑल का बिगेस्ट स्मार्टफोन कंपनी है और सैमसंग का स्मार्टफोन लेना चाहता है और टॉप नॉइज लेवल का कैमरा और अच्छा डिस्प्ले के लिए, और आप लोग भी एक बढ़िया सा सैमसंग का स्मार्टफोन लेना चाहते हो अभी 25,000 से लेकर 30,000 के अंदर, तो इसीलिए आज के इस वीडियो पे मैंने टॉप 3 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया है जिसे आप लोग 30,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और दोस्तों ये सारे स्मार्टफोनों में टॉप नॉइज लेवल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, आईपी रेटिंग के साथ टॉप नॉइज लेवल का यूजर एक्सपीरियंस और तगड़ा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M55। 25,000 के अंदर सैमसंग की तरफ से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M55 की तरफ जा सकते हो। और स्पेसिफिकेशन की बात की है तो 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जो की सपोर्ट करता है 120Hz को। 1000 nitpick माइनस मिल जाता है, HDR का सपोर्ट दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और परफॉर्मेंस की बात की जो कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 nanometer फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 6 lakh के करीब एंड्रॉइड उसको निकल के आता है, 13 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR4X RAM, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का कैमरा का बात की जो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 8 megapixel का अल्ट्रा है, 2 megapixel मैक्रो और 50 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी टॉप नॉइज लेवल का देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 45W फास्ट चार्जिंग को। और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, One UI 6.1 पे बेस्ड है, 4 साल का OS अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। स्मार्टफोन में 3G स्पीकर देखने को मिल जाता है, NFC का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB रेम डिस्काउंट लगा के 25,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A35। और दोस्तों बहुत लोग सैमसंग का A सीरीज का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप लोग सैमसंग A35 को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश को। 1000 nitpick ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का प्रोटेक्शन के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सैमसंग की तरफ से एग्जिनोस 1380 का चिपसेट मिल जाता है जो 5 nanometer आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 6 lakh के ऊपर एंड्रॉइड उसको निकल के आता है, 12 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आप लोगों को अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड, 5 megapixel मैक्रो और 13 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 25W चार्जिंग को, बट बॉक्स में आप लोगों को चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। और स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा, One UI 6.1 पे बेस्ड है, 4 साल का OS अपडेट, 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। स्मार्टफोन में IP67 का रेटिंग मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी के साथ स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB रैम 30,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 एडिशन। 30,000 के अंदर सैमसंग की तरफ से एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली सैमसंग S21 FE की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.4 इंच का डायनामिक 2X एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1200 nitpick ब्राइटनेस, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन के साथ। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जो कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट मिल जाता है जो 5 nanometer फैब्रिकेशन में बेस्ड है, 12 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और कैमरा का बात की जो स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 12 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8 megapixel का टेलीफोटो और 12 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, 32 megapixel का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट दिया गया है, फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल का देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 25W चार्जिंग को और 15W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, One UI 5.1 पे बेस्ड है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB रैम अभी के टाइम पे डिस्काउंट लगा के 30,000 के अंदर मिल जाएगा।